गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बस हम लोग उठ के तैयार हो के निकलने के लिए जा रहे हैं नैनीताल। बड़ी अच्छे से सो गए, ज़्यादा ठंड नहीं थी यहाँ पे, जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी ठंड नहीं थी। अभी जाएंगे, पूरा दिन नैनीताल में स्पेंड करेंगे, देखते हैं क्या रहता है। अभी आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। धूप आ गई बढ़िया एकदम, और अच्छी नींद रही, मज़ा आ गया, क्योंकि पूरे दिन हम लोग ने कल राइड करा था। आके अच्छे से सो गए, बाहर दिखाता हूँ, बढ़िया धूप निकली। देखिए ये देखिए, यहाँ बैठो आराम से, धूप सेको, सामने पहाड़ के नज़ारे देखो। हमारी स्कूटी बैठ गाइस। तो गाइस हमने स्कूटी स्टार्ट कर दी है, पीछे स्टार्ट हो गई है, तो कोल्ड स्टार्ट कर दी है, मतलब इंजन को गर्म होने के लिए थोड़ा स्टार्ट करके छोड़ दिया है। 5 मिनट अपना इंजन गर्म होगा, फिर हम चलेंगे नैनीताल की ओर। गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं, बीच में नैनीताल जाते वक्त इस रास्ते में एक बहुत ही अच्छा व्यू मिला, तो सोचा कि आपसे भी शेयर करें। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से, अच्छी धूप निकली है, पूरा साफ, दूर दूर तक एकदम पहाड़ दिख रहे हैं, और ये रोड भी बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, और ऐसे व्यू में तो और मज़ा आ जाता है। देखिए पेड़ पहाड़ बहुत अच्छा है। हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। कैसा लग रहा है? हिलको तो चोट लग गई है पैर में, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत ख़राब लग रहा है। अरे हल्का सा मोड़ रहे थे तो उधर हल्की चोट लग गई इनको। बाकी यहाँ शहर में थोड़ा भीड़ तो है, और कभी कोई, अभी कोई मंत्री आ रहा है तो उसके लिए बंद कर रखा है इन्होंने। हम लोग एट लास्ट 425 किलोमीटर चल चुके हैं ये अपनी गाड़ी से, और आखिरकार पहुँच ही गए नैनीताल। लो ये हमारी सेकेंड डेस्टिनेशन हुई। नज़ारा आपको दिखाता हूँ कैसा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो, धूप भी है हल्की हल्की, और भवाली से नैनीताल की रोड बहुत प्यारी है, अच्छी रोड बनाई है, अच्छा नज़ारा है, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये है नैनीताल लेक। 1839 पे मिस्टर पी बैरन एक इंग्लिश मैन यहाँ पे आए थे, जिन्होंने नैनीताल को सबसे पहले देखा था, तो उनको ये जगह इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस लेक के इर्द गिर्द एक यूरोपियन कॉलोनी एस्टैब्लिश कर दी। इस लेक की जो लंबाई है वो है करीब 4,700 फिट, और इसकी चौड़ाई है करीब 1,500 फिट, और ये गहरा करीब 100 फिट है। तो इसमें कहा जाता है कि आप कृपया करके इसमें ना जाएं अंदर, क्योंकि 100 फिट गहरा बहुत गहरा होता है और आप डूब सकते हैं। तो जैसे जैसे ये लेक पॉपुलर हुआ, ये जगह पॉपुलर हुई, काफ़ी लोग आने लग गए। लोग आने लग गए तो यहाँ पे गंदगी भी बढ़ती गई, और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है नैनीताल में, यहाँ ये प्रोन टू लैंडस्लाइड है, तो इसकी वजह से लेक में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ। तो फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जो कि रुड़की में है, उन्होंने एक लेक रिस्टोरेशन प्लान बनाया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ। तो अब दोनों इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिल के काम कर रहे हैं इस लेक को साफ और अच्छा रखने में। नैनीताल की माल रोड पर चलते हुए जब आप सीधे जाएंगे तो बाएं हाथ पे आपको दिखेगा नैना देवी टेम्पल का एंट्रेंस। तो इस टाइम पे हम लोग नैना देवी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, और नैना देवी टेम्पल तक जाते हुए आपको दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट लगी होती है और हर तरीके के सामान मिलते हैं। आप मास्क ना उतारें, ज़रूरी है, कोरोना में घूमने आए
तो मास्क जरूर लगा के रखें, खास करके N95, ठीक है ना, बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हर किस्म की चीज़ मिल रही है यहाँ पे, कपड़े से लेके जैकेट, साथ ही साथ आपको चश्मे वगैरह लेने तो वो भी मिल जाएंगे। पर बेसिकली मैं इन सब जगहों से सामान नहीं लेता हूँ। क्यों इन सब जगहों से सामान क्यों नहीं लेना चाहिए? इनका रीज़न गलत है। टूरिस्ट प्लेस से अगर आप सामान खरीदते हैं महंगा, तो आपको महंगा ही देंगे। अगर आप जाके कहीं अलग जगह से लेते हैं तो आपको सस्ता मिलेगा। तो यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, रुकी दिखाता हूँ आपको। देखिए सामने यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, ये लोकल नैनीताल एसोसिएशन के दो क्लब्स के बीच में मैच चल रहा है। पर इस मैदान में घास तो नहीं थी, अगर कोई फील्डर गिर वर गया, इधर उधर डाई वाई मारी तो उसकी बहुत गंदी चोट लगेगी। पर ठीक है, नैनीताल में हमें क्रिकेट देखने को भी मिल गया। तो एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक तरफ है गुरुद्वारा, क्या आप देख सकते हैं, एक तरफ गुरुद्वारा है, दूसरी तरफ वो है मस्जिद, दूसरी तरफ मस्जिद है, इधर मंदिर है और उधर मंदिर है। सुबह सुबह जब पूजा वूजा का टाइम होता है तो सारी जगह एक अजान बज रही होगी, एक तरफ यहाँ गुरु क्या कहते हैं गुरुद्वारे में चल रहा होगा, एक तरफ नैना देवी में चल रहा होगा। सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पॉजिटिव वाइब है, गुरुद्वारा मस्जिद मंदिर सब साथ में ही है, 500 मीटर की दूरी पे। कैसा लगा ये देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया का यही दिखाता है, सेक्युलरिज्म दिखाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, ऐसे ही सबको साथ में रहना चाहिए। इस टाइम पे आ गए हम नैना देवी मंदिर। तो नैनीताल में स्थित ये नैना देवी टेम्पल हिंदू रिलीजन के लिए बहुत ही भव्य टेम्पल है। ये 64 शक्ति पीठों में से एक टेम्पल ये भी है। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं देखने, और बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पे। तो आप भी कभी नैनीताल में हों, आप किसी भी रिलीजन के हों, आप यहाँ पे आ। बहुत बढ़िया फोटो आ रही है अमित तिवारी की, मज़ा आ गया। वीडियो बना रहे फोटो खींच रहे पहले, ये तो खाने खाने क्योंकि उनका तो बाउंड्री नहीं होता ना, देखो दे रहा है एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि अगर आप मंदिर आते हैं तो आप घंटी ज़रूर बजाते हैं, तो कोरोना के टाइम पे इन्होंने घंटियों में ये बांध दिया है ताकि आप घंटी ना बजा पाएँ, क्योंकि आपका टच दूसरे के टच मिल जाएगा भैया, कोरोना ऐसे ही फैलता है, दूरी बनाए रखनी है। ये देखिए घंटियाँ जितनी भी हैं सब कवर्ड हैं। यह हमने ये ले लिया है टिकट बोटिंग का, ये हमारी बोट है, ये हमारी बोट है चप्पू वाली, उसका आधा राउंड मारेंगे, 210 रुपये का है। भैया इस टाइम पे बैठ चुके हैं हम बोट पे, और ये जैकेट है, ये
गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चाइना पीक, जिसको नैना पीक भी कहते हैं, उसकी ओर। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर की तरफ, स्टीप चढ़ाई है, और यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं इस पीक के ऊपर।